फिल्म के गेम्स फियरना में रहते हैं और जो कि वेस्ट हाइलैंड्स इन स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड की पहाड़ियों पे ये शहर है कैम्प्सफियरना। व्हेन हिज डॉग जॉनी डाइड, जब इनका पेट डॉग जॉनी मर गया, मैक्सवेल वाज टू सैड टू थिंक ऑफ कीपिंग ए डॉग अगेन। तो मैक्सवेल उदास हो गया और वो सोच रहा था, इसी बारे में सोच रहा था कि एक कुत्ता और रख लिया जाए एज ए पेट। बट लाइफ विदाउट ए पेट वॉज लोनली, क्योंकि वो अकेला महसूस करते थे, पेट्स से बहुत लगाव था उनका। जनरेटर हैड टू दोबारा शुरू कर लेते हैं, शायद ऑडियो ना सुनी हो आपको, ऑडियो चेक भी कर लेता हूँ मैं एक बार। राइट, ऑडियो इज देयर। मिस बिल द ऑथर मेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। मिस बिल एक ऑथर का नाम नरेटर ने, जो लेखक हैं उन्होंने रखा है, और ये नेवला प्रजाति का जीव है। गेविन मैक्सवेल लिव्स इन ए कॉटेज इन कैम्प्सफियरना, और गेविन मैक्सवेल कैम्प्सफियरना में रहते हैं, वहाँ इनका मकान है जो कि वेस्ट हाइलैंड्स स्कॉटलैंड की पश्चिम दिशा में जो पहाड़ियां हैं उन पे ये शहर है। व्हेन हिज डॉग जॉनी डाइड, जब इनका कुत्ता जिसका नाम जॉनी था वो मरा, तो मैक्सवेल दूसरे किसी डॉग को रखने के बारे में सोचने लगे और काफी उदास महसूस कर रहे थे। एंड ही वॉज थिंकिंग दैट लाइफ विदाउट ए पेट वॉज लोनली, कि एक पेट के बिना जीवन अकेला हो जाता है, अकेलापन उसमें आ जाता है। द नरेटर हैड टू गो टू बसरा, अ सिटी इन इराक, टू कलेक्ट हिज मेल फ्रॉम द कॉन्सुलेट जनरल। और इन्हीं दोनों नरेटर को बसरा जाना पड़ा, ये शहर है एक इराक कंट्री है, तो उसमें बिल्कुल नीचे की तरफ ये एरिया है, ये शहर है यहाँ पे, तो बसरा में उसे जाना पड़ा। कुछ कंसुलेट जनरल ऑफिस से उन्हें मेल कलेक्ट करनी थी वीज़ा से रिलेटेड, इट वाज टू बी आंसर्ड एज वेल, और उसमें उन मेल्स का जवाब भी देना था। ही हैड टू स्टे देयर फॉर 5 डेज, वहाँ इन्हें 5 दिनों तक स्टे करना पड़ा, रुकना पड़ा। द फॉलोइंग वर द रीजंस, कारण क्या थे। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, पहले दिन जो लाइन थी वो आउट ऑफ ऑर्डर थी, और सेकेंड डे एक्सचेंज वॉज क्लोज्ड फॉर ए रिलीजियस हॉलीडे, और दूसरे दिन एक्सचेंज क्लोज्ड थी हॉलीडे की वजह से, धार्मिक हॉलीडे होगा कोई। थर्ड डे देर वॉज अनदर ब्रेकडाउन, और तीसरे दिन भी कुछ गड़बड़ हुई लाइन में। द नरेटर्स फ्रेंड लेफ्ट विद ए प्रॉमिस टू मीट हिम आफ्टर 1 वीक, और इस दौरान जो नरेटर के दोस्त हैं वो उनको छोड़ के चले गए, कहने लगे कि 1 सप्ताह बाद उनको वो मिलेंगे। आफ्टर 5 डेज, 5 दिनों बाद द मेल अराइव्ड, मेल पहुंच गई। द नरेटर टू हिम टू हिज बेडरूम, मेल को जो लिफाफा था बेडरूम में ले गए वो, वेयर ही फाउंड 2 अरब्स स्क्वैटिंग ऑन द फ्लोर विद ए सैक लाइंग बिसाइड देम, जहाँ पे इन्होंने 2 अरब देश के नागरिकों को बैठे हुए देखा, जो कि इस पोज में बैठे हुए थे, स्क्वैटिंग पोज है। दे ऑल्सो गेव द नरेटर अ मैसेज, और नरेटर को उन्होंने एक पेपर पे लिखा हुआ मैसेज दिया। दे ऑल्सो टोल्ड द नरेटर टू रिसीव द ऑर्डर दैट वॉज पुट इन साइड द सैक, और नरेटर को कहा कि वो अपना ऑर्डर ले लें, क्योंकि ऑर्डर की बात की थी इन्होंने अपने फ्रेंड के साथ। आफ्टर सम टाइम द अरब्स वेंट अवे, ये जो 2 नागरिक थे अरब कंट्री के वो चले गए। एंड देन द नरेटर ओपन द सैक, सैक क्या होती है, बोरी टाइप, जैसे बोरी होता है, खाद की बोरी होती है। द नरेटर कॉल्ड इट मिजबिल, और उस जो ऑटर था उसका नाम मिजबिल नरेटर ने रख दिया। द नरेटर आल्सो टेल्स अस दैट द रेस ऑफ दैट ऑटर वाज प्रीवियसली अननोन इवन टू द साइंटिस्ट। नरेटर हमें टेक्स्ट में ये भी बताते हैं कि ये जो प्रजाति है ऑटर्स की,
तो इवन विज्ञानिकों को भी उस प्रजाति का नहीं पता था। द जूलॉजिस्ट गेव दैट ऑटर अ नेम। जूलॉजिस्ट ने एक नाम दिया उस ऑटर को, लटरोगेल परस्पिसिलेटा मैक्सवेल, ये नाम दिया उन्होंने मैक्सवेल ऑटर। फॉर द 24 आवर्स द ऑटर शोड साइंस ऑफ नाइदर होस्टिलिटी नॉर ऑफ फ्रेंडलीनेस। और 24 आवर्स तक, 24 घंटे तक ऑटर ने कोई भी चिन्ह, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिया, ना तो दुश्मनी का, हॉस्टिलिटी का, ना दोस्ती का नरेटर के प्रति। ही ओनली प्रीफर्ड स्लीपिंग ऑन द फ्लोर एज फार एज पॉसिबल फार फ्रॉम द नरेटर्स बेड। नरेटर, सपोज करो ये रूम है तो यहाँ उनका बेड है नरेटर का, तो ये कोना है इसका, मतलब जितनी दूर हो सके वो वहाँ फर्श पे ही लेटा रहता और सोता रहता। ऑन द सेकेंड नाइट द ऑथर केम ऑन टू द नरेटर्स बेड एंड स्लेप्ट इन द क्रूक ऑफ हिज नीज अंटिल हिज सर्वेंट ब्रॉट इन टी फॉर द नरेटर। और फिर क्या होता है, रात को, ये सेकेंड नाइट को यहाँ से उठता है और नरेटर के पास उनके घुटने, जो टांग होती है, सपोज करो ये टांग है तो ऐसे मोड़ी हुई है, तो ये जो रुक है यहाँ पे इसके बीच में सो गया। और जब तक सोता रहा, जब तक कोई सर्वेंट सुबह चाय लेके ना आया। ऑन द सेकेंड नाइट, दूसरी रात को क्या हुआ, द वॉटर केम ऑन टू द नरेटर्स, ये हो चुका है। और ड्यूरिंग द डे इट स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग। और दिन के वक्त उसने, ऑटर ने आसपास के जीवन में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। द नरेटर ऑल्सो टुक हिम टू द बाथरूम। नरेटर उसे बाथरूम में ले गया, वेयर ही वॉज अलाउड टू बेद इन ए टब फुल ऑफ वाटर, जहाँ उसे एक टब में जो पानी से भरा हुआ था उसमें नहाने दिया। मतलब वो बहुत खुश हुआ इस पानी में और उछल उछल के वो नहा रहा था। ही एंजॉयड ए लॉट इन टू द वॉटर एंड कैप स्प्लैशिंग वाटर हियर एंड देयर। और अपने पूंछ से पानी को इधर उधर फेंक भी रहा था, स्प्लैश कर रहा था। द नरेटर सेज दैट प्लेइंग इन टू वॉटर एंड स्प्लैशिंग इट आउट ऑफ द कंटेनर इज ए वेरी कॉमन करेक्टरिस्टिक फाउंड इन वॉटर्स। वॉटर्स में एक विशेषता पाई जाती है कि वो अगर किसी बाउल में या किसी कंटेनर में पानी मिल जाए उसको, तो उसके अंदर जाके वो स्प्लैश करके उसे बाहर खिंडा देते हैं। आफ्टर 2 डेज द वॉटर एस्केप्ड फ्रॉम नरेटर्स बेडरूम। और वॉटर को उसमें चस्का पड़ गया था पानी में खेलने का, तो एक दिन बेडरूम में से निकल के वो बाथरूम में चला गया चुपचाप। द नरेटर वॉज एबल टू सी इट्स टेल वेन इट वॉज टर्निंग टू द कॉरिडोर दैट लेड टू द बाथरूम। और जैसे कॉरिडोर है तो इधर को ये कॉरिडोर ऐसे घूमता था, तो नरेटर ने यहाँ सिर्फ उसकी पूंछ देखी। मान लो ये कमरा है नरेटर का यहाँ पे, तो जैसे ही निकला तो कॉरिडोर में से यहाँ से जा रहा था अंदर, तो सिर्फ पूंछ नजर आई। द नरेटर क्विकली रीच्ड इनसाइड द बाथरूम। और नरेटर तुरंत ही बाथरूम में पहुंच गए। ही वॉज अमेज्ड टू सी दैट द वॉटर वॉज स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ द टब बाथ टब एंड ट्राइंग टू टर्न ऑन द टैप। और नरेटर बहुत हैरान हुए ये बात देख के कि जो ये ऑटर था, ऑटर जो इसकी एज थी, यहाँ पे किनारा था बाथ टब का, यहाँ खड़ा हो गया और ऊपर जैसे यहाँ पे टैप्स हों तो कोशिश कर रहा था इसको टर्न ऑन करने के लिए, टैप को खोलने की कोशिश कर रहा था। और फॉर्चुनेटली ही टर्न द टैप इन टू द राइट डिरेक्शन। और किस्मत की बात है कि उसने टैप को सही दिशा में टर्न ऑन किया। सो सम वाटर बिगेन टू ट्रिकल फ्रॉम द टैप एंड आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स
गुड फ्लो वाटर वॉज रनिंग आउट, और टैप में से पहले तो कुछ एक बूंदे पानी की निकली और तुरंत ही अच्छा फ्लो उस टैप में से चलने लगा। समटाइम्स मिच बिल, कभी कभी ऐसा भी होता था कि मिच बिल हैपन टू टर्न ऑन द टैप इन द रोंग डायरेक्शन, कई बार रोंग डायरेक्शन में वो टर्न ऑन कर देता था। इन दैट केस द टैप वुड गेट टाइटन अप एंड वाटर वुड नॉट फ्लो आउट ऑफ इट, उस केस में टैप और कस जाती और टाइटली बंद हो जाती, देन मिच बिल वुड फील इरिटेटेड, और जब उसमें से पानी ना टपकता, पानी फ्लो नहीं करता था तो उसको इरिटेशन होती, वो चिढ़ जाता, गुस्सा दिखाता अपना। He spent most of his time playing in water. अधिकतर समय वो पानी में खेल के बिताता था। He had become much friendly with the narrator now. अब narrator के साथ उसकी दोस्ती होगी। Whenever he called him, he would come running to him. जब कभी भी narrator उसे मिच बिल कह के पुकारते तो वो दौड़ा दौड़ा आ जाता। Sometimes he would play shuffling the ball to and fro into the room like a football dribbler. और कभी कभी वो एक फुटबॉल ड्रिबलर की तरह कमरे में एक बॉल को शफल करता, कभी उधर अपने पंजों से। He would make a powerful flick with his kick, और अपनी with his neck, neck से एक पावरफुल मजबूत उसमें पुश करता वो। His most favorite play was juggling with small objects between his paws while lying on his back. तो सबसे फेवरेट प्ले उसका क्या था, बैक पे, जैसे ये पेट है उसका तो बैक पे लेट के यहाँ पेट पे बॉल को ऐसे करता वो, शफल करता पंजों में किसी चीज को लेके, शफलिंग करता उनसे खेलता, कोई भी छोटा ऑब्जेक्ट उसे मिल गया। प्लेइंग विद मार्बल्स वाज वन ऑफ हिज फेवरेट पास टाइम, और मार्बल्स के साथ कंचों के साथ खेलना तो उसका बहुत ही फेवरेट पास टाइम था। ही वुड पुट टू और थ्री मार्बल्स ऑन हिज फ्लैट बेली, दो तीन मार्बल्स यहाँ रखता और उनको सरकाता और उन्हें फर्श पे ना गिरने देता। ऑन हिज फ्लैट बेली एंड कीप ऑन रोलिंग देम, उन्हें रोल करता रहता। सरप्राइजिंगली नो मार्बल वुड फॉल डाउन, और इस अच्छी बात है, ये हैरानी की बात थी कि कोई भी मार्बल गिरता नहीं था। वाइल लिविंग इन बसरा द नरेटर हैड वन फियर इन हिज माइंड, बसरा में रहते रहते नरेटर के दिमाग में एक ही भय उसे सता रहा था। इट वाज अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द ऑटर टू लंदन, ऑटर को लंदन कैसे पहुंचाया जाए। ब्रिटिश एयरलाइन वुड नॉट अलाउ एनी एनिमल टू ट्रैवल ऑन बोर्ड, और जो ब्रिटिश एयरलाइन है वो किसी भी एनिमल को ऑन बोर्ड ट्रैवल नहीं करने दे रही थी। सो ही वुड हैव टू बुक ए टिकट फॉर पेरिस, एज फ्रॉम देयर ही वुड गो टू लंदन एंड फ्रॉम देयर टू कैंस फियरना। तो उसे पेरिस एयरलाइन से टिकट बुक करानी पड़ी, पेरिस से वो लंदन आएगा और लंदन से फिर कैंस फियरनिया जाएगा। द नरेटर वॉज एडवाइज टू पुट द एनिमल इन ए बॉक्स, और नरेटर को ये हिदायत दी पेरिस एयरलाइंस वालों ने कि एनिमल को एक बॉक्स में रखना होगा जिसकी लंबाई 18 इंच से ज़्यादा ना हो, एंड इट वुड बी प्लेस नियर द नरेटर सीट, जो भी सीट होगी नरेटर की सीट के पास ही, जैसे यहाँ टांगे हैं उसकी नरेटर की, यहाँ पे ही बॉक्स को रखना होगा। द नरेटर हैड टू गेट सच ए बॉक्स मेड फॉर मिस बिल, और नरेटर को तुरंत ही ऐसा बॉक्स बनवाना पड़ा। अब उसके पास एक ही घंटा था जिसमें वो तैयार होगा और हवाई अड्डे पे पहुंचेगा, एयरपोर्ट पे पहुंचेगा। He got one box made and thinking that Miss Bill would become habitual of remaining in the box, he put it into it. और जैसे ही डिब्बा बन के आया तो नरेटर के दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना मिस बिल को कुछ देर के लिए बॉक्स में ही रख दिया जाए ताकि उसको आदत हो जाए, कुछ देर एक्चुअल हो जाए, कोई भी परेशानी होगी तो अभी हो जाएगी। इन द मीन टाइम ही वेंट आउट टू हैव हिज मील,
और बॉक्स में उसे रख के नरेटर खाना खाने के लिए चले गए। और अब क्या होता है, ऑन रिटर्निंग वापसी में जब नरेटर ने बॉक्स को देखा, द नरेटर नोटिस समथिंग शॉकिंग, नरेटर को कुछ शॉकिंग दिखाई दिया। ही सॉ दैट देयर वॉज नो मूवमेंट इन द बॉक्स, बॉक्स में कोई हरकत नहीं थी। सम ड्राइड अप ड्रॉप्स ऑफ ब्लड वर आल्सो विजिबल ऑन द एयर होल्स ऑफ द बॉक्स, जो बॉक्स था तो उसमें कुछ कुछ एयर होल किए हुए थे, यहाँ पे कुछ सुराख किए हुए थे, तो इनमें से कुछ खून की बूंदें बाहर आई होंगी और वो जम गई थी। एंड फाउंड दैट वॉटर हैड इंजर्ड, फिर उन्होंने इमीडिएटली तुरंत ही बॉक्स को खोला और देखा कि वॉटर ने स्वयं को इंजर कर लिया था। यहाँ कुछ तारे होंगी, उनको काटा इसने और काटने की वजह से तारों को उसका मुंह जख्मी हो गया होगा। और द ऑटर हैड कट द लाइनिंग्स ऑफ द बॉक्स, द नरेटर रिमूव द एजिज ऑफ द लाइनिंग्स सो दैट दोज मे नॉट इंजर हिम एनी फर्दर। तो फिर नरेटर ने उन एजिज को काटा ताकि वो पैनी वो तीखी एजिज उसको जख्मी ना करें। और नाउ ही हैड ओनली 10 मिनट्स एट हिज डिस्पोजल, अब उसके डिस्पोजल पे 10 मिनट थे उसके पास एयरपोर्ट में पहुंचने के लिए, सारी तैयारियां करने के लिए। वाइल ट्रैवलिंग बाई ए कार, अब ये कार में बैठ गए, ही हैड टू पुट हिज हैंड ऑन द लिड ऑफ द बॉक्स, और जो डिब्बे का ढक्कन था उस पे हाथ रख के चलना पड़ा, उन्हें अपना हाथ वहां रखना पड़ा। फाइनली ही रीच्ड लेट, और आखिरकार वो लेट पहुंचे वहां पे एयरपोर्ट पे। और द ऑफिशियल शोड देयर एंगर फॉर हिज बीइंग लेट, और ऑफिशियल्स ने उसके लेट आने पर गुस्सा जाहिर किया, प्रकट किया। ही एंटर द एयरपोर्ट एयरप्लेन एंड लकीली द सीट वॉज एट द बॉटम एट द फ्रंट, और लकीली जहाज में प्रवेश किया तो जैसे ये इनसाइड है और ये डोर है, यहाँ से अंदर आते होंगे, और यहाँ जो पहली सीट थी यहीं इनको सीट मिल गई। ही स्प्रेड सम पेजेस ऑफ न्यूज़पेपर नियर हिज फीट, पैरों के पास उन्होंने कुछ न्यूज़पेपर फैला दिए ताकि उस पे मिसबिल कोई गंदगी ना बिखेरे। और आफ्टर दैट ही कॉल्ड द एयर होस्टेस एंड गेव हर ए पैकेट ऑफ फिश विच वर मेंट फॉर द ऑटर, फिर एयर होस्टेस को बुलाया और उन्हें एक लिफाफा जिसमें मछलियां थी वो दी, और कहा कि इन्हें वो फ्रिज में रख दें ताकि वो खराब ना हो, और ये मछलियां ऑटर के लिए थी। द एयर होस्टेस वॉज अ काइंड लेडी एंड द नरेटर टुक हर इन हिज कॉन्फिडेंस, और एयर होस्टेस एक दयालु महिला थी और उनको नरेटर ने अपने विश्वास में ले लिया ताकि रास्ते में कोई दिक्कत हो तो वो उनकी हेल्प करे। द नरेटर डिडन नो मच अबाउट द बिहेवियर ऑफ ऑटर्स, नरेटर ऑटर्स के बिहेवियर के बारे में अधिक नहीं जानते थे। बट फॉलोड नेक्स्ट वॉज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड, और जो कुछ बाद में हुआ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी नरेटर को। मिजबिल वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, और पलक झपकते हुई हुए ही, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई मीन्स पलक झपकते ही कुछ ही क्षणों में मिसबिल बॉक्स से बाहर निकल आया और भाग गया। इट स्टार्टेड रनिंग अंडर द सीट्स क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस फॉर द पैसेंजर्स, और पैसेंजर्स के लिए उसने बहुत दिक्कत पैदा की। सीट्स के नीचे वो भागता है कभी उधर कभी उधर, देयर वाज ए नॉइस और ऑफ श्रीक्स, श्रीक्स पतली आवाजों की चीख पुकार एयरक्राफ्ट में हो गई। अ वुमन वाज क्राइंग, एक महिला यह पुकार रही थी कि एक चूहा, अ रैट अ रैट। आफ्टर सम टाइम द नरेटर सॉ मिसबिल्स टेल डिसअपीयरिंग अंडर द लेग्स ऑफ ए वाइट टर्बन्ड इंडियन, थोड़ी देर बाद नरेटर ने मिसबिल को देखा कि उसकी टेल नजर आई होगी, एक सफेद रंग की पगड़ी पहने एक भारतीय था उसकी सीट के नीचे कहीं नजर आए।
The narrator made a dive on the Indian's knees to catch the otter. और नरेटर ने बिना सोचे समझे एक डाइव लगाई, एक छलांग नीचे की तरफ लगाई ताकि वो ऑटर को पकड़ ले। और बदकिस्मती से नरेटर उस व्यक्ति के घुटनों के ऊपर गिरे और शायद वो व्यक्ति कड़ी और राइस खा रहा था और नरेटर का चेहरा करी में लथपथ हो गया। बट ही फेल्ड एंड हिज फेस वॉज कवर्ड इन करी। The air hostess advised him to occupy his seat. Air hostess ने कहा कि भाई अपनी सीट पे बैठे रहो, इधर उधर मत घूमो, वो उन्हें उनका ऑर्डर पकड़ा देगी, दे देंगी, हेल्प करेंगी। और इन द मीन टाइम ही हर्ड सम चिटरिंग। थोड़ी देर बाद नरेटर को कुछ चिटरिंग, जो उसकी आवाज थी मिजबिल की, वो दिखाई सुनाई दी। ही द मिजबिल केम बैक His, यहाँ धातु नहीं आएगा, ये प्रॉपर नाउन है। His, उसका मिजबिल लौट आया और आफ्टर दैट मिजबिल बाउंडेड ऑन टू हिज नीज और छलांग मार के मिजबिल नरेटर के घुटनों पे बैठ गया और फिर गर्दन की तरफ जाके उनके चेहरे को और गर्दन को प्यार करने लगा, सूंघने लगा। Thus the narrator's journey was really eventful। इस तरह से लंदन तक की नरेटर की जर्नी बहुत ही घटनापूर्ण रही, घटनाओं से भरी रही। एंड फाइनली ही रीच्ड लंदन और अंततः वो लंदन पहुंच गए अलोंग विद हिज ऑटर, अपने ऑटर के साथ। द नरेटर लिव्ड देयर फॉर ए मंथ और नरेटर वहां पे एक महीना तक रहे। मिजबिल वुड रिमेन बिजी प्लेइंग विद सम सिलेक्टेड टॉयज लाइक पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर फ्रूट एंड टेराफिन सेल विच द नरेटर हैड ब्रॉट फ्रॉम हिज नेटिव मार्सिस। और लंदन आके नरेटर के साथ वो रहता उनके फ्लैट में और जो सिलेक्टेड टॉयज थे उस मिजबिल के ऑथर के, उनके साथ वो खेलता, जैसे कि पिंग पोंग बॉल है, मार्बल्स हैं, रबर फ्रूट हैं, टेराफिन सेल है। टेराफिन सेल वो मार्सिस से लाए थे, जहाँ से टिग्रीस के इलाके में जहाँ पे मार्सिस हैं, मार्सिस का मतलब होता है दलदली इलाका है, वहाँ से लाए थे। द ऑटर हैड इन्वेंटेड अ गेम विद पिंग पोंग बॉल और ऑटर ने पिंग पोंग बॉल के साथ एक गेम इन्वेंट कर लिया था। ही वुड प्लेस द बॉल एट द हाई एंड ऑफ ए सूट केस। नरेटर के पास एक सूट केस था और वो डैमेज था, मतलब पिचक गया था, उसकी जो ऊपर वाला एंड था, ऊपर वाला लिड जो था उसका सूटकेस का, जैसे ये ढक्कन है यहाँ पे सूटकेस है, नीचे वाला भाग है ये ऊपर वाला, तो ये ढलान ये डाउन की तरफ हो गई थी, एक तरफ से ये झुक गया था, यहाँ से पिचक गया था। तो इस पे वो बॉल को रखता, पिंग पोंग बॉल को, उसको पुश मारता और बॉल रिड़कती हुई ऐसे जाती और फिर फर्श पे रिड़कती, इधर ये एम्बुश करता, छुप के बैठ जाता और उसे जैसे बिल्ली चूहे की तरफ लपकती है उस पर छलांग मार के उसे कैच करता। ही वुड प्लेस द बॉल एट द हाई एंड ऑफ द सूटकेस हुज अपर लिड हैड बिकम समवट अनइवन एंड देन द बॉल वुड रन डाउन द फुल लेंथ ऑफ द सूटकेस। ये बॉल नीचे जाती। आफ्टर दैट ही वुड डैश टू एम्बुश इट। फिर छुप के वो उस पर छलांग लगा के जाता, कैच करता और spring up on it in a manner a cat springs on a mouse first for playing then killing। जैसे आप देखते होंगे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है पहले और फिर उसको उस अपना शिकार बनाती। Sometimes while walking in London streets, कई बार लंदन की गलियों में घूमते घूमते मिजबिल seem to develop habits like those of children। तो बच्चे जैसे आदत होती है उन्हें, सपोज करो ये फुटपाथ है और यहाँ पे पोल्स लगे हुए, इधर खंबे हैं कुछ, कहीं लगातार हैं, तो वो टच करते हुए या घूमते हुए इनके चारों तरफ वो चलते हैं, कोई ना कोई गेम इन्वेंट कर लेते हैं। देयर वाज ए प्राइमरी स्कूल बिल्डिंग इन फ्रंट ऑफ द फ्लैट ही वाज स्टेइंग इन एंड इट वाज ए सिंगल स्टोरी बिल्डिंग। और ये सिंगल स्टोरी बिल्डिंग थी जहाँ पे इनके फ्लैट के सामने थी, प्राइमरी स्कूल था, और उसके चारों तरफ एक 2 फुट ऊंची दीवार थी, सिर्फ 2 फुट
ऊंचाई थी उसकी छोटी दीवार थी और इधर ये बिल्डिंग थी प्राइमरी स्कूल की। यहाँ बच्चे पढ़ रहे होते या फिर टीचर्स भी होते तो इस पे वो चढ़ जाता और दौड़ता इधर दौड़ता इधर दौड़ता इस तरह से रन करता। वहाँ विजिबल वुड रन ऑन इट फ्रॉम वन एंड टू द अदर। ही वुड नॉट ओनली डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द टीचर्स बट ऑल्सो ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चों का भी ध्यान खींचता और टीचर्स का भी। और नेक्स्ट द नरेटर डिस्क्राइब एन एवरेज लंडनर वुड नॉट रिकग्नाइज द ऑथर। और नरेटर डिस्क्राइब करते हैं कि एवरेज लंदन में रहने वाला कोई भी व्यक्ति एवरेज रूप से ऑथर्स को नहीं पहचानते थे। इट वॉज मच सरप्राइजिंग और ये बात नरेटर के लिए हैरानी वाली थी। वेन सम पीपल आस्क्ड हिम जब उसे कुछ लोग पूछते थे कि ये बेबी सील है या स्क्वल है या वालरस है या हिप्पो है या बीवर है या बेयर कब है तो इस तरह से वो पूछते तो नरेटर काफ़ी हैरान होते कि किसी को इनको पता नहीं है क्या ऑटर क्या होते हैं। तो ये प्रजाति मैं दिखा रहा हूँ बैजर है और ये मोंगूज है नेबलर कहते हैं जिसे और ये स्टॉर्ट है और इधर मिंक है। ये एक ही प्रजाति है ऑटर की वैलरस ऐसा होता है। और ऑटर्स बिलोंग टू ए स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स और ऑटर्स एक छोटे ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिन्हें मस्टरलिन कहते हैं। एंड दिस ग्रुप इज आल्सो शेयर्ड बाय द बैजर मोंगूज वीजल स्टॉर्ट मिंक और दूसरे। तो इस तरह से ये लेसन यहीं ख़त्म हो जाता है और फिर कभी किसी दिन जल्दी ही कोई और लेसन लेके आऊँगा आऊँगा उसकी समरी आप सबके सामने नरेट करूँगा। मुझे उम्मीद है कि ये समरी आपको पसंद आएगी और मैं जानता हूँ कि इस वक्त लाइव सेशन में बहुत ही कम स्टूडेंट हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। बाद में स्टूडेंट्स इस रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। तो टिल नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।